नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिले। दोस्तों ये देख रहे हैं मछली, ध्यान से देख लीजिए, ये मछली है। इसको गर्म पानी से धो दिया गया है, उसके बाद में बनाया गया है। और इसको क्या किया गया है कि अच्छे से अच्छे पहले फ्राई किया गया है, उसके बाद में बनाया गया है बेगर तेल में। थोड़ा सा तेल डाले हैं और देखिए ये रोटी है, सब्जी है, इसको स्वादिष्ट खाने में लगता है। देखिए देखिए खाने में खूब अच्छा लगता है। और इसको बाज़ार से ख़रीद करके लाया गया है 60 रुपये किलो। और क्या है कि इसमें ज़्यादा मात्रा में लहसुन डाला गया है। लहसुन डालने के कारण ये जो है दाद खाज खुजली की बीमारी नहीं होती है। और जब भी मछली खाइएगा तो एक नींबू में डाला हुआ मिर्च एक दो जरूर खाइएगा। धनिया पत्ता इसमें नहीं है, धनिया पत्ता डाल देने से खुजली पकड़ लेता है इसमें। और धनिया पत्ता डालना है तो बगैर टमाटर का नहीं डालना चाहिए। और टमाटर जब भी खाना है तो खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पथरी बनने की संभावना बना रहता है। और पथरी एक बार हो गई तो समझिए कि सत्यानाश पेट का हो गया। तो पथरी से दूर रहना है तो आप लोगों को खाली पेट टमाटर नहीं खाना चाहिए। और गर्मियों के मौसम में जो है वो प्याज ज़रूर खाना चाहिए। देखिए रोटी के साथ मछली खाया जाता है, भात के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका कांटा जो है वो पेट में चुभ जाता है। चुभने के कारण ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो उसमें बहुत सभी पैसा लग जाता है। इसीलिए जब भी मछली खाइएगा तो रोटी से ही खाइएगा, और खूब आराम आराम से खाना चाहिए कभी भी। देखिए हम सब कैसे खा रहे हैं, धीरे धीरे खा रहे हैं कि इसका जो कांटा है वो नटी में न चुभे। यही जो है बात सोचना है, समझना है। कोई भी काम करना है तो हड़बड़ दड़बड़ में तेज़ी से नहीं करना है। तेज़ी से कोई भी काम करने पर गड़बड़ हो जाता है। देखिए आराम आराम से खा रहे हैं हम लोग मछली। ये है छोटी वाली मछली और वो है रोटी। 8 रोटी में 2 आदमी का काम चल रहा है। और इसमें थोड़ा सा भात ले लेंगे, तो रोटी और भात गर्मियों के मौसम में खाना चाहिए। और ये मछली जो है, आधा मछली जो है वो खाए हैं, देखिए दूर से इतना सा आधा मछली में 8-10 आदमी खा लिया है। और आधा मछली जो है वो कल हम लोग खाएंगे, बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट हुआ है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितनी भी कांटा वाला मछली है वो धीरे धीरे ही खाइएगा, क्योंकि तेज़ी से खाने से पेट में चुभ जाएगा, तो इससे भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। दोस्तों माता दुर्गा जी की कृपा से जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें, मस्त रहें, उनके कृपा ही आप लोग के ऊपर है। थैंक यू दोस्तों।